अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सरकार फ्रेंड जी और वाचिंग अपनी ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट, मेरे साथ रहिएगा। तो आज जो हम स्टार्ट करते हैं काम, वो करते हैं बेडशीट से। मैंने न्यू बेडशीट जो मैं लेके आई थी वो मैंने चढ़ाई है, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि वो कैसी लग रही है। मेरे साथ रहिएगा। ये देखिए, जो मैं बेडशीट लेके आई थी ना, ये भले मैंने बेडशीट इस पर बेड पर बिछाई है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखिए, मैंने कहा था आप लोगों को जब मैं बिछाऊँगी तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, ठीक है। तो ये देखिए, खिड़की बंद थी, मैंने खिड़की खोली है और अब देखिए आप कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ से दिखाते हैं। मैं ले रही थी ना तो मैं बड़ी घबराई हुई थी कि पता नहीं बैठ के आए ना आए, तो इसको देखिए बेड पे आए ना आए और पता नहीं क्या होगा। उसको मैं बोल के आई थी भैया को, भैया फिर मैं वापस करवाऊंगी आपको, तो वो कहते हैं कि नहीं आ जाएगी। तो लेकिन ये है कि वाकई बड़ी खूबसूरती सही है और बड़ी वो बिछ के भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और मुझे लग रहा है कि यूज़ करने के बाद भी इसकी क्वालिटी अच्छी ही रहेगी। और ये आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये दरवाजे और दरवाज़ों से अभी पन्नियाँ नहीं उतार रही, लेकिन इसका ना ये वाला हैंडल जो है ना, ये पता नहीं क्यों टूट गया। अभी तक दरवाज़ों की ये पन्नियाँ भी नहीं उतरी हैं, आपको पता है कि बिल्कुल नए लगाए थे और ये इसका ये ख़राब हो गया। और जब लेने गए थे इतने महंगे वो लोग दे रहे थे, कम करने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो ज़ोर से दरवाज़ा ठम करके, क्योंकि वहाँ से अब हवा आती है तो दरवाज़ा पे ज़ोर से बजता है। तो बस पैसे वैसे कम ही होते हैं और क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती, बस क्या करें जी वहाँ फिर हम लोग। तो यही है और वो लेडी थी। तो फ्रेंड्स, मैं अभी हूँ इस शॉप पे और आपसे भी शेयर करती हूँ सारी प्राइस। जी फ्रेंड, आप ये देख रहे हैं, ये हर किस्म के साशे वगैरह हैं, ये देखिए हेयर कलर्स हैं, ये परफ्यूम वगैरह हैं। और ये 650 का था परफ्यूम और हेयर कलर्स वगैरह थे, काफ़ी सारा सामान यहाँ पे था। देखिए चकला बेलन वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, रोज़ वाटर, ये बेबी लोशंस वगैरह और बेबी पाउडर वगैरह। तो यहाँ पे हर चीज़ सही रेट में थी, ठीक है। और ये देखिए हैंड वॉशेज़ वगैरह हर चीज़ अवेलेबल थी। और ये देखिए 630 की इतनी खूबसूरत खूबसूरत वॉचेस थी। और ये देखिए 160, 230, 150 के अराउंड में ये की होल्डर्स थे और इनमें से मुझे भी ये पसंद आया था ये वाला, तो मैंने भी ये वाला ले लिया था। और ये देखिए कप ग्लास वगैरह, ये देखिए कप वगैरह थे ये सारे 320 के। तो अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं ऐसी शॉप से ना, तो मुझे तो अच्छी लगती है, मतलब अच्छी क्वालिटी भी थी और थोड़ी सी रिजनेबल प्राइस में भी थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करूं, मेरे व्यूज़ भी जान सकें कि अच्छा रेट है और अच्छी क्वालिटी है। और ये छोटे छोटे से फ्लावर्स थे और ये प्लेट्स थी 130 की, एक थी तो पांच, आई थिंक 500 या समथिंग कुछ बन रही थी। तो मैं ढूंढ रही हूँ बेलें, मगर ये छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं ऐसे वाले ना, 150 वो बेल नहीं है जो मेरे को चाहिए, बाकी ये सब चीज़ें। ये देखिए छोटे छोटे पतीलियाँ भी थी, सॉसेस भी थे और फ्राई पैन्स वगैरह भी थे, सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी, बट मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें नहीं ली है। और कैमरे को इसलिए नीचे रखा गया क्योंकि काफ़ी सारी लेडीज़ थी तो अच्छा नहीं लगता किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना, तो इसलिए थोड़ा मोबाइल का जरूरत था वो नीचे कैमरे को किया हुआ था। एंड सेकेंडली जितना हो सका मुझे मेरे से मैंने आपको कैप्चर करके दिखाया। ये देखिए एक दाम, ठीक है, 40 का एक कप है ये,
और ये सारा था, और खुशे वगैरह, सैंडल्स, बैग, बच्चों के काफ़ी सारा सामान था, कैचर्स वगैरह थे, ये देखिए पानी की बॉटलें थी, ये बच्चों की बैंड्स थे, हेयर बैंड्स वगैरह थे, क्लिप वगैरह थे, 100 में पूरे पूरे क्लिप थे, ये देखिए 140 का और ये देखिए 140। तो इस तरीके का काफ़ी पिंस वगैरह थी जो कि रूटीन की चीज़ें होती ना, डेली रूटीन की यूज़फुल चीज़ें सब यहाँ पर अवेलेबल था। तो यहाँ पे ज्वेलरीज वगैरह भी थी, जैसे कड़े होते हैं, और ज्वेलरी देखिए काफ़ी डिसेंट ज्वेलरी थी, काफ़ी अच्छी प्राइस में भी थी ये ज्वेलरी वगैरह। मतलब यहाँ पे हर चीज़ आपको अवेलेबल मिल जाएगी, एक छत के नीचे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये थोड़ा सा सामान लेके आई हूँ, मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। और पंखा चलाते हैं, पहले पंखा चलाते हैं, फिर घर पे आ चुकी हूँ और पंखा भी बंद है, अभी आगे पंखा चलाया, थोड़ा सांस सांस लिया है, और क्योंकि काफ़ी गर्मी भी थी आज, गर्मी काफ़ी थी, तो मैं कुछ ना सामान लेके आई हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ मैं। ये देखिए मैंने वहाँ पर भी आपको प्राइस दिखाया है साथ साथ, और यहाँ पर भी दिखाती हूँ, देखें 220 का ये है की होल्डर, और ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था, ये देखिए ना ट्री सा बना हुआ ये, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, इसमें ना वो कीज़ भी बनी हुई थी और लॉक भी बना हुआ था, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, मैंने ये लिया। और फिर ये मेरी बास्केट आजकल आप देख रहे हो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा इन है, ये बास्केट जी भी मैंने ली है, ये 180 की है, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इतनी अच्छा सामान, और उसके देखिए ये इसका जो मटीरियल थी ये भी बहुत अच्छा है, अच्छा सामान है और सस्ते रेट में मिल गया ना, वरना ये हम अगर बड़ी बड़ी शॉप पर जाते बहुत महंगा 400-350 से कम की ये बास्केट भी मिलती है। तो ये देखिए ये छोटी छोटी साइड पे लगा दिया, और ये अक्सर आप लोग देख रहे होंगे ऑनलाइन पे, ये मैंने की है। और जब हम खाना वाना पकाते हैं तो इसकी मुझे ना बड़ी नीड थी, बहुत नीड थी, कभी मुझे यहाँ पे रखना पड़ता था चम्मच, कभी वहाँ पे, तो पतीलों के जो ढक्कन है ना वो हो जाते थे ख़राब, तो मैंने उसके लिए स्पेशल ये लिए, ये मैं काफ़ी अच्छे से देख रही थी, तो मुझे कॉर्न वाला बड़ा अच्छा लगा, तो ये ना मैंने ये 130 का, ठीक है 130 का ये मैंने लिया, इससे अपना पतीलियाँ वगैरह के ढक्कन देने वो गंदे ने वो चम्मच वगैरह पड़ते हैं। और ये ऑयल कंटेनर है, ठीक है, ये भी मैंने लिया है, और इसकी प्राइस क्या है 180, ये मैंने लिया है, और इसमें आप ऑयल भी डाल सकते हैं और आप इसमें जूस भी डाल सकते हैं, एक्चुअली है ये ऑयल के लिए, बट मैं इसको ऑयल के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि कहते हैं प्लास्टिक में ऑयल वगैरह नहीं रखना चाहिए, ये देखती हूँ जूस के लिए करना या किसी के लिए करना, ये देखिए इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ये मैं लेके आई हूँ। और एक स्पेशल चीज़ मैं लेके आई हूँ, ये देखिए ये मग में लेके आई हूँ अपने हब्बी के लिए, क्योंकि दूध वगैरह पीना होता है ना, तो फिर मैं उनके लिए स्पेशल लेके आई हूँ, 270 का। और ये पसंद आया, A1 पक्का A1, मेरा कैमरा देखो अब देखना, अब बताओ पसंद आया, बहुत अच्छा कह रहा है ना, अब इसमें दूध वगैरह शेक वगैरह पीना हो ये वाला पीना फिर इसमें, ठीक है। तो ये मैं लेके आई थी, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो एक और ऐसा ना, एक और लेके आऊँ, क्योंकि मैंने दूसरा सामान भी लेना था, तो फिर मैं इतना वो नहीं बजट लेके नहीं थी अपना लेना, तो फिर मैं अब एक और लेके आऊँगी ना, ये एक मून के लिए भी लेके आ जाऊँगी ऐसा, तो बहुत प्यारा लग रहा था, वाइट से था ना, इस कलर में अच्छा लग रहा था, है ना, इससे प्यारा लग रहा, फिर मैं ये लेके आई हूँ। तो मैंने कहा ये मैं छोटा मोटा सामान लेके आई हूँ तो मैं आपसे शेयर करूँ, और मुझे वहाँ पर पता ही नहीं चला कि मुझे छोड़ के ना मुझे कहने लगे मैं घर जा रहा हूँ, और मैं वहाँ पे आराम से अपनी शॉपिंग शॉपिंग करके चीज़ों को देख दिखा के, और मैंने कहा चलें ठीक है ये नहीं, तो मैं ना गुजरी तो मेरे पीछे पीछे के कहते कहाँ जा रही हूँ, मैंने कहा आप किधर जा रहे हो, कह रहे मैं तो भाड़ कब से बाहर ही खड़ा हूँ, मैंने कहा लो जनाब मैं समझिए आप घर चले गए, कहने लगे नहीं मैं घर नहीं गया, मैं तेरा वेट करता, मैं तुझे देख रहा था बिलिंग विलिंग कराते थे, ये भी ऐसे भी कभी जो है ना हादसे वगैरह हो जाते हैं कॉमेडी वाले। तो खैर ये छोटा छोटा सा सामान था, आई होप आपको अच्छा लगा हो, फिर कभी जाऊंगी तो फिर आपसे ज़रूर शेयर करूंगी हर चीज़, तो चलें फिर मेरे साथ बने रहिएगा। तो फाइनली अभी सारे सामान को रखते हैं इनकी जगह पे, ताकि स्पेशली ये जो है ये टूट ना जाए, क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लगा था एक नज़र में, और अच्छी खासी इसकी क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है, दोनों चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो इनको हम रखते हैं अभी इनकी जगह पे, ठीक है। अभी मून आया नहीं है ट्यूशन से, अभी टाइम हुआ है 7:10, ठीक है।
ठीक है अभी वो ट्यूशन से आया नहीं है और आज मैंने खाना बनाया था दाल चावल और वो आता है और खाना खाते हैं और फिर इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पे दी एंड। छोटा सा मुख्तसर सा ब्लॉग था, अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ऐसे बताएं ऐसे तो दबाइएगा जरूर और ज़िंदगी लेकर फिर मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में अगले ब्लॉग तक।